Let us discuss the other very important application of derivatives, which is related to Rolle's theorem. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा important theorem है यार, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे questions बन जाते हैं कई कई बार. आसान होते हैं जिनको ये theorem ढंग से पता होती है, they can easily solve the question and get the marks. ठीक है, तो देखो ये condition कहती क्या है कि if there is a function fx लिखता हूँ, which is continuous है, किसमें a और b में, including a and b both. ठीक है, ये मैंने एक गलत लगा दी, हटा दो. सेकेंड कंडीशन, fx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन a एंड b. ठीक है, और थर्ड कंडीशन आ जाती है कि इफ fa इज इक्वल टू fb. ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ साइमल्टेनियसली हम मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो जस्टिफाई कर रही है, देन वी कैन से दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, समझ में आया? पहले कंडीशन देखो, तीनों ये जरूरी है सेटिस्फाई करना एक साथ, अदरवाइज वी कैन नॉट से दिस थिंग कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूस होना चाहिए ए एंड बी में, डिफरेंशियबल होना चाहिए फॉर एवरी इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी. नोट करो, यहाँ ए और बी की हम बात नहीं करते, कि वहाँ एक्सटीरियर पॉइंट पे हम कभी भी एंड पॉइंट्स पे वी नेवर टॉक अबाउट डिफरेंशियबिलिटी. ऑलराइट, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं दैट देयर विल बी अ रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव इन ए एंड बी. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीनिंग कि अगर मैं कोई कर्व ऐसा बनाता हूं, तो ये देखो ये हुई एफ ए की वैल्यू और ये हुई एफ बी की वैल्यू. ठीक है, अगर मैं ऐसा कर्व बनाता हूं, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब हुआ इसका, देखो ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, और मेरी कंडीशन क्या हुई एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो भी इसमें मैंने वैलिड कर दी. तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट सी, ये जो पॉइंट है मेरा सी, ऐसा होगा वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब द टेंजेंट एट सी विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, ये है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग. तो जो ये टेंजेंट बनी मेरी यहां, दिस विल बी पैरेलल टू माय एक्स एक्सिस. ऑब्वियसली बात है ना यार, एफ डैश जो हम निकालते थे क्या होता था, स्लोप होती थी ना, स्लोप, देन स्लोप एट अ पॉइंट इज एफ डैश सी, इफ इट इज इक्वल टू जीरो दैट मींस एम इज इक्वल टू जीरो, और ये किसका होता है, x एक्सिस का, दैट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ योर रोल्स थ्योरम. अनदर मेजर इंटरप्रिटेशन यू कैन से अबाउट दिस रोल थ्योरम इज दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, एनी बिटवीन एनी टू रूट्स, मतलब रूट्स का क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू जीरो एफ बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक और व्हाटएवर, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल इक्वेशन, देयर लाइज अ रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव. कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर अब एफ ए और एफ बी जो हैं वो आपके रूट्स हैं, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरा कर्व है, ये मेरी एक्स एक्सिस है. अब मैं इसी पॉइंट को ए मान लेता हूं, इसी पॉइंट को बी मान लेता हूं, तो मेरा एफ ए और एफ बी क्या हो गया, एफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड हियर एफ बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम ये कंटिन्यूअस भी है, ये भी है, सब कुछ है, तो यहां पर एक सी कर पॉइंट होगा ना, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. सो अगर एफ डैश सी अगर जीरो है और मैं एफ डैश सी को एक क्वाड्रेटिक या जो भी पॉलीनोमियल मान लेता हूं, सो सी उसका रूट हो गया. So, C is a root of this polynomial. C is a root now of this polynomial. ये A और B किसके हुए? Fx के root. C is a root of f dash x. This is what you want to say. ठीक है? अब इसका एक और बड़ा भाई करते हैं. बड़ा भाई क्यों कह रहा हूं, अभी दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि ये Rolle's theorem उससे derive होती है. Derive in the sense, एक उसका part है. अब मैं क्या करता हूं, मेरी दोनों conditions पहले की है, दैट इज कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशियबल भी होना चाहिए. ठीक है, ये दोनों है कंटिन्यूस इन ए एंड बी, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स
यहाँ ओपन ब्रैकेट्स मतलब कंटिन्यूस इन ए एन बी इंक्लूडिंग ए एन बी पॉइंट्स और एक्सक्लूडिंग ए एन बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और मेरी जो तीसरी कंडीशन होती थी एफ ए इक्वल टू एफ बी रोल्स थ्योरम के लिए, ये मैंने अब की बार यहाँ से हटा दी है। मेरे पास सिर्फ अगर ये दो कंडीशन हैं, व्हाट कैन आई से अबाउट द फंक्शन नाउ, ये अगर दो कंडीशन गिवन है देन बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, then by using Lagrange's theorem we can say that there is a point C such that f dash C is equal to fb minus fa fb minus fa upon b minus a, ठीक है ना, जहां C lies between a and b, ठीक है। तो ये हमारी हो गई Lagrange's theorem। अब देखो इसका interpretation क्या है कि अगर मेरा कर्व मान लो ऐसा था, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, दैट इज दिस वैल्यू इज एफ ए एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट एफ बी, ठीक है। अगर मेरी, अब मैं इसको लाइन को बनाता हूं ऐसे, ठीक है, देखो ये मेरी हुई एफ बी माइनस एफ ए। सो अगर मैं ये देखो, पहले ये चीज देखो, ये है क्या चीज, प्रूफ तो मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, पहले इसको इंटरप्रेट करना सीखो कि ये है क्या चीज। आई हैव सेड एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी कॉमा एफ बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए कॉमा एफ ए। सो इफ आई हैव रिटन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, सो वॉट इज दिस, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूं और इस पॉइंट को बी कह देता हूं, सो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए बी जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। ऑलराइट, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए बी। एंड इफ आई से एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज अगेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, एनी गिवन पॉइंट, एक्स लिखा था यहां मतलब एनी गिवन पॉइंट। और अगर मैं एफ डैश सी बोलता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट सी। तो अब क्या बात बनी, मैं कहता हूं कि भाई एक ऐसा पॉइंट होगा बिटवीन ए एंड बी such that जिसकी जो स्लोप होगी will be equal to the slope of line AB। तो ये मेरा पॉइंट हुआ C। तो अगर मैं इस पर tangent draw करूंगा, ये वाली जैसे मैंने tangent draw करी है, ये वाली, this will be parallel to AB line। Lagrange's का ये proof होता है, ठीक है। So these are two main theorems जो हम अभी use करी है हमने, और अब इसकी application देखते हैं questions में ये कैसे apply होता है। अभी पहले we'll take only simple कि आपको use करना है how to use or apply the Lagrange's theorem and the Rolle's theorem, ठीक है।